क्यू में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। मान लीजिए क्यू वन क्यू टू दो चार्जेस हैं जो कि आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला हमें पता है, ये बराबर के क्यू वन क्यू टू अपन आर एस का रहता है और वैक्टर में ये होता है। इसके बाद मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो ड्यू टू एनी पॉइंट चार्जेस, तो उसका फॉर्मूला था ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। मान लीजिए कोई चार्ज क्यू प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा एफ बराबर क्यू ई। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी बराबर डब्ल्यू पॉइंट क्यू होता है। इसके बाद हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के। तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज होता है ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर, एंड इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर पॉइंट चार्ज की वजह से। और इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है टू के लैम्डा अपॉन आर कैप अपॉन आर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है माइनस टू के लैम्डा लॉग ऑफ आर बी अपॉन आर। इन्फिनेटली नॉन कंडक्टिंग थिंग शीट की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है रो बटे टू एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है रो बटे टू एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर। और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से लगने वाला एक्सिस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एक्स का, और सेंटर पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो। और एक्सिस पे लगने वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर, और सेंटर पे लगने वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर। और इनफिनिटली चार्ज कंडक्टिंग शीट की वजह से जो फॉर्मूला होता है लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल होता है माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर। और इसी के साथ यदि हम बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज होल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू अपन आर स्क्वायर, पोटेंशियल का होता है के क्यू अपन आर और रेडियस ग्रेटर देन आर। और इनसाइड द स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एंड पोटेंशियल वही के क्यू बटे आर होता है चार्ज होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपन आर फॉर रेडियस ग्रेटर देन आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है रो आर बटे थ्री एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है रो अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और थिन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो का फॉर्मूला होगा ई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो बटे टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी। तो ए टू बी जाने पर वर्क डन का फॉर्म होगा क्यू वी वी माइनस वी ए। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू इंटू क्यू इंटू वी। फिर इसके आगे चलते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम होता है यू वन टू वन थ्री वन एन, सबको ऐड करते जाना है हमें बस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल के। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल ये होता है क्योंकि स्क्वायर अपॉन टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस होता है टू के पी अपॉन आर क्यू, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता है माइनस के पी अपॉन आर क्यू, और किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू डाइपोल होता है के पी अपॉन आर क्यू वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड होता है यू बराबर माइनस पी ई, पी होता है डाइपोल और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क का फॉर्मूला था पी क्रॉस ई इन टर्म्स ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है माइनस पी क्रॉस ई, और उस पर लगने वाला फोर्स होगा एफ पी डी ई वाई डी आर।
इसके बाद आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट का फॉर्मूला था है वी इक्वल टू पी डॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपन आर क्यू। और इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और गॉसिस लॉ होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू एनी क्लोज एरिया इज इक्वल टू क्यू इनसाइड चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टेंस फेयर होता है रो बटे एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक प्रेशर जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। और इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट को। और जो इसके बाद हम पढ़ते हैं वो होता है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? आई इक्वल टू वी डी ई एन ए। और इसके बाद जो करंट डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वी इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि ओम्स लॉ हमें पता है वी इक्वल टू आई आर होता है। और इसको जो यूनिट है उसको साइमेंट्री कहते हैं रेजिस्टेंस का। और जो टेम्परेचर डिपेंडेंस फार्मूला रेजिस्टेंस का होता है वो होता है आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा थीटा। थीटा होता है टेम्परेचर। किसी दो पॉइंट पर हमें पोटेंशियल गिवन है तो हम लिख सकते हैं करंट का फार्मूला वी टू माइनस वी वन अपॉन आर। देन आगे पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। पावर होता है पी इक्वल टू वी आई। और हमें ओम्स लॉ पता ही है वी बराबर आई आर। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये डिफरेंट फार्मूला मिल जाएंगे पावर के। और इसके बाद हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। और जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो कहता है कि पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड देन हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मान लीजिए सीरीज में आर वन आर टू एंड आर एन रेजिस्टेंस लगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बराबर सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एंड सिमिलरली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम ज़ीरो देन द रेजिस्टेंस आर वन अपॉन आर फोर इक्वल टू आर टू आर थ्री बिकम्स इक्वल। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में सबसे पहले आता है सेल इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है? जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉलो करता है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉलो करता है वो करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। देन हम पढ़ते हैं मीटर। मीटर करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें इसके बाद हम पढ़ते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। पोटेंशियल मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हमें पता ही है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर आता है। इसमें इसकी सहायता से हम करंट भी मेज़र कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीटर ब्रिज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि चार्ज स्टोर एंड कैपेसिटर क्या होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि इक्वल टू सी वी। देन हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर हमको बताइए। देन एनर्जी स्टोर एंड कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर बाय टू सी। देन हम पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला वो होता है एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर। और वैक्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और जो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन टू आर। एंड फॉर आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस स्फीयर
उसके लिए कैपिटल टाइम्स का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन बी माइनस ए। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाई ए। देन हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल भी होता है। देन हम पढ़ते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन पैडी प्लेट ऑफ कैपेसिटर वो होता है एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है फॉर पोटेंशियल ये होता है वी इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। और जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला होता है सी वन अपॉन सी वन प्लस सी टू इन टू क्यू वन प्लस क्यू टू। सिमिलरली जो उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए इसका जो एक सी इक्विवेलेंट होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। और जो पोटेंशियल होता है वो भी कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सी इक्विवेलेंट रहता है वो होता है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। और चार्ज का रिलेशन कैपेसिटेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रहता है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग के लिए फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और जो क्यू नॉट होता है वो होता है सी वी के बराबर। और टाउ जो होता है उसे टाइम्स कॉन्स्टेंट कहते हैं जो होता है सी इन टू आर इक्विवेलेंट। और जो करंट का फार्मूला होता है चार्जिंग के लिए वो होता है इक्वल टू क्यू नॉट बाई टाउ इन टू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और जो इसका ग्राफ होता है वो आप देख ही सकते हैं। देन हम इसके बाद पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसका फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और करंट का फार्मूला होता है इक्वल टू क्यू बाई टाउ ई की पावर टी बाई टाउ। और इसका ग्राफ इस कुछ इस प्रकार होता है। देन हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस विद डायलैक्ट्रिक का फॉर्मूला वो होता है सी इक्वल टू के इन टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटर के बीच में डायलैक्ट्रिक डालने से इसका जो कैपेसिटेंस रहता है वो बढ़ जाता है। इसी के प्रकार से बस ये ख़त्म होता है चैप्टर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, जो कि होता है बी इक्वल टू यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं बार्ट सा वर्ड लॉ, जो कि कहता है डी वी इक्वल टू यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इन टू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। देन हम इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, जिसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर, जिसका फॉर्मूला होता है यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, जो कि होता है बी इक्वल टू यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर फॉर सेंटर एंड फॉर एक्सिस इसका फॉर्मूला होता है यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड का फॉर्मूला, जो कि होता है बी इक्वल टू यू नॉट एन आई अपॉन 2 ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसके बाद हम पढ़ते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ, जो कि होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू यू नॉट आई। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल, इन साइड द सेल होती है 0 एंड आउटसाइड द सेल इसका फॉर्मूला होता है यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग पॉइंट चार्ज, जिसका फार्मूला होता है इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी एंड जो इसकी रेडियस का फार्मूला होता है वो होता है आर एम बी अपॉन क्यू वी एंड जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। देन हम इसमें हम पढ़ते हैं पिच, पिच होता है 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन क्यू वी। देन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी प्लस ई। देन इसमें हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जिसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। देन इसमें हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि होता है एम इक्वल टू एन आई ए। देन इसमें हम पढ़ते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप, जिसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। देन हम इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पोल, जिसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू यू नॉट बाई 4 बाई एम आर स्क्वायर। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट का फॉर्मूला यू नॉट बाई 4 बाई 2 एम अपॉन आर क्यूब। देन इसमें हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ मैग्नेट, जो कि होता है यू नॉट अपॉन 4 बाई एम अपॉन आर क्यूब।
एंड जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट पॉइंट पी ड्यू टू मैग्नेट का फॉर्मूला होगा बी इक्वल टू यू रॉड बाय 4 पाई एम अपॉन आर क्यू रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। देन हम इस पर पढ़ते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ कहता है कि ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। देन इसमें हम पढ़ते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है ई एम एफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट्स, जो कि कहलाता है मोशनल ई एम एफ। देन हम इसमें पढ़ते हैं इंड्यूस्ड ई एम एफ ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। देन हम इसमें पढ़ते हैं इंड्यूस ई एम एफ इन अ रोटेटिंग डिस्क, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। देन इसमें हम पढ़ते हैं फिक्स्ड लूप की वजह से बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होता है आर वाई टू डी वाई बी वाई डी टी। देन इसमें हम पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एल डी आई वाई डी टी। देन इसमें हम पढ़ते हैं हम इंडक्टर, इंडक्टर को एल से डिनोट किया जाता है। देन इसका जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर। देन हम इसमें पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन आर एल सर्किट, जो कि होता है इक्वल टू ई वाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी वाई एल। और जो इसका ग्राफ होता है करंट वर्सेस टाइम का वो कुछ इस प्रकार होता है। देन हम पढ़ते हैं डिके ऑफ करंट इन आर एल सर्किट, जिसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू आई नो टी की पावर माइनस आर टी वाई एल। देन हम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू एम आई। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस, इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है फॉर्मूला होता है वो होता है एल इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम। देन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपन एल इक्वल टू वन अपन एल वन प्लस एल टू। देन इसके बाद जो इसमें टू कॉइल की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कपल्ड का होता है वो हमेशा लेस देन होता है एल वन एंड एल टू के स्क्वायर रूट के, एंड इक्वल रहता है व्हेन के इज कपल्ड कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू वन। देन इसमें हम पढ़ते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में, एंड जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है उसमें उल्टा रहता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ई एस अपन ई पी इक्वल टू एन एस अपन एन पी एंड आई पी अपन आई एस। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं एल सी ऑसिलेटर, और एल सी ऑसिलेटर का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल सी, और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन 2 पाई अपॉन रूट ओवर एल सी। अल्टरनेटिंग करंट का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए सी एंड डी सी करंट। तो ए सी करंट क्या होता है, करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। एंड डी सी करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन कॉन्स्टेंट रखता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ बना है कॉन्स्टेंट डी सी का, ये पीरियोडिक ए सी का, ये वेरिएबल डी सी का, ये ए सी करंट का। देन हम इसके बाद पढ़ते हैं आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसमें हम सबसे पहले उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका एवरेज मीन निकालते हैं, देन हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड इन एन ए सी सर्किट। तो जो पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है ए सी सर्किट के लिए वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई। कॉस पाई कहलाता है पावर फैक्टर। और जो वी आर एम एस आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है वो होती है वी मैक्सिमम अपॉन रूट टू एंड आई मैक्सिमम अपॉन रूट टू। और इसके बाद हम पढ़ते हैं जो इसमें टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कि आई एम साइन पाई होता है वाटलेस करंट, कॉस पाई जैसे कि मैंने बताया कि पावर फैक्टर होता है, एम्पिटेंस जो होता है वो होता है वी मैक्सिमम अपॉन आई मैक्सिमम या फिर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसे जीटा एल से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो जीटा सी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन ओमेगा सी। देन हम पढ़ते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसमें जो करंट की वैल्यू होती है आई मैक्सिमम वो होती है वी मैक्सिमम अपॉन रेजिस्टेंस। देन जो आई आर एम एस की वैल्यू होती है वो होती है वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस। और जो पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें जो आई मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है वो होती है वी मैक्सिमम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है जीटा सी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। और ये होता है इसका ग्राफ।
इसमें जो वोल्टेज रहता है वो लैग करता है पाई बाई टू से, एंड करंट लीड करता है। वेव्स का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं वेव मोशन, जो कि कहता है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होती है वो होती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसमें ए होता है एम्पलीट्यूड, वी इक्वल टू है फ्रिक्वेंसी, लैम्डा वेव लेंथ, पीरियड टी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, एंड वेव नंबर के से रिप्रेजेंट होता है। इसमें जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो होती है वन अपॉन म्यू, एंड इसको हम टू पाई बाई ओमेगा से भी लिख सकते हैं, और म्यू इक्वल टू वी लैम्डा भी लिख सकते हैं, और के जो वेव नंबर है वो होता है के इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग विद स्पीड वी का इक्वेशन, जो कि होता है वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला, जो कि होता है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन म्यू। देन ट्रांसमिटेड पावर का इक्वेशन होता है पी एवरेज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, जो कि मान लीजिए दो वेव्स हमें दी है तो उनका इंटरफेरेंस होगा वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, देन इसमें ये ऐड हो जाएंगी और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू वन ए वन ए टू कॉस डेल्टा, और टेन ई एंगल इसके बीच में आएगा ए टू साइन डेल्टा अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा है वो टू एन पाई होना चाहिए, और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा है जो होना चाहिए टू एन प्लस वन पाई। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन इस प्रकार होती है वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। इसमें जो नोड्स होती हैं वो बनती है एन प्लस हाफ लैम्डा बाई टू फिर, और जो एन की वैल्यू वो होनी चाहिए जीरो वन टू एंड सो ऑन, एंड एंटी नोड्स बनती है एन लैम्डा बाई टू पे और एन की वैल्यू जीरो वन टू ऐसी वेरी करती है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ पॉइंट्स। मान लीजिए इसमें बाउंड्री कंडीशन दी है वाई इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो है एंड एक्स इक्वल टू एल पे एक्स जीरो है, तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होगा एल इक्वल टू एन लैम्डा वाई टू पे जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी एन अपॉन टू एल अंडर रूट टी वाई म्यू, और एन की वैल्यू है वन टू थ्री एंड सो। अब फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक बताया वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी वाई म्यू। देन इसमें जो फर्स्ट ओवरटोन होता है वो कहलाता है सेकंड हार्मोनिक, जिसकी वैल्यू होती है टू बाई टू एल अंडर रूट टी वाई म्यू, एंड सेकंड ओवरटोन होती है थर्ड हार्मोनिक। सिमिलरली इसके आगे के हम हार्मोनिक निकाल सकते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, जिसमें जो बाउंड्री कंडीशन है हम दिए वाई जीरो पे एक्स जीरो है, तो इसमें जो अलाउडेड फ्रिक्वेंसी है वो होती है टू एन प्लस वन अपॉन फोर एल टी वाई म्यू, और एन की वैल्यू जीरो वन टू एंड सो वन होती है। इसमें जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट इक्वल टू वन बाई फोर एल टी वाई म्यू, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड हार्मोनिक इट इज थ्री बाई फोर एल स्क्वायर रूट ऑफ टी वाई म्यू एंड सो वन। इसमें सिर्फ ऑल ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होती है। देन इसमें हम पढ़ते हैं सोनोमीटर, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी वो वन बाई एल करो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के, एंड वी इक्वल टू एन वाई टू एल अंडर रूट टी वाई म्यू का इक्वल रहता है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं साउंड वेव, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव होती है एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा ब्रैकेट टी माइनस एक्स वाई जी, और जो होता है प्रेशर का फॉर्मूला वी ओमेगा अपॉन म्यू एन टू एस नॉट, एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव फॉर लिक्विड होती है स्क्वायर रूट वी वाई रो, एंड फॉर सॉलिड वाई वाई रो, एंड फॉर गैस गामा पी वाई रो, एंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पी नॉट स्क्वायर टू पी वी। इसके बाद जो स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू इक्वल टू टू पी नॉट कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी,
एंड फिर इसके बाद हम पढ़ते क्लोज और कन्वाइन, जिसमें बाउंड्री कंडीशन होती है वाई जीरो पर एक्स जीरो, और जो फ्रिक्वेंसी जो अलाउ करता है वो एल इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई फोर के करस्पॉन्डिंग अलाउ करता है, और जो फ्रिक्वेंसी होती है वी इक्वल टू टू एन प्लस वन वी अपॉन फोर होती है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी जो फंडामेंटल हारमोनिक होती है वो म्यू नॉट इक्वल टू वी बाई फोर एल, एंड थर्ड हारमोनिक फर्स्ट ओवर टोन होती है थ्री वी अपॉन फोर एल एंड सो ऑन। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप में जो बाउंड्री कंडीशन रहती है वो वाई इक्वल टू जीरो एट एक्स जीरो, एंड इसमें जो फंडामेंटल हारमोनिक है उसकी जो वैल्यू होती है वी नॉट इक्वल टू वी बाई फोर एल, फर्स्ट ओवर टोन होती है टू वी बाई टू एल एंड सो ऑन, इसमें सभी हारमोनिक प्रेजेंट रहती है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं रेजोनेंस कॉलम, इसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू टू एल टू माइनस एल वन इन टू वी, टू वेव्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल फ्रिक्वेंसी मेगा वन इक्वल टू मेगा टू, तो इसमें जो डेल्टा मेगा होता है मेगा वन माइनस मेगा टू हो जाता है, ये कहलाता है बीट फ्रिक्वेंसी, और मेगा होता है वो मेगा वन प्लस मेगा टू अपॉन टू होता है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट में जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है वी प्लस वी नॉट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स इन टू वी। देन इसमें जो आखिरी चीज आती है वो पार्ट डिफरेंस वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट डेल्टा एक्स द डी वाई अपॉन डी, एंड फेज डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू टू पाई वाई लैम्डा इन टू डेल एक्स, इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है टू एन पाई पर कंस्ट्रक्टिव होता है, टू एन प्लस वन पाई पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड डेल्टा एक्स एन लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव होता है, एन प्लस वन अपॉन टू लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव। एंड देन इसमें हम करते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो कि होता है इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन इन टू आई टू कॉस डेल्टा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर कर देंगे मिनिमम के लिए उनके डिफरेंस का स्क्वायर, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा वाई टू। देन इसके बाद फ्रेंज विद पढ़ते हैं जो होती है ओमेगा टू डेल्टा डी अपॉन डी लैम्डा डी अपॉन डी, और ऑप्टिकल बात होता है डेल्टा एक्स डेल इक्वल टू म्यू डेल एक्स। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, जो मिनिमा आता है इसमें होता है एन लैम्डा इक्वल टू बी साइन थीटा या फिर बी वाई अपॉन डी, और रिजोल्यूशन होता है साइन थीटा इक्वल टू वन पॉइंट टू टू लैम्डा बट बी, और इसमें मॉल स्लो पढ़ते हैं जो होता है इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव ट्रांसमिटेड थ्रू थिन फिल्म होती है उसमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो होता है एन लैम्डा पर, और एन प्लस वन बाई टू लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। हम लोग ऑप्टिक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फॉर्मूला, तो सबसे पहले होता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड वन इज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाए इन द सेम प्लेन। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर, जिसमें कि इसका जो फॉर्मूला होता है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ होता है फोकल लेंथ जो कि होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन इसमें हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो कि होता है एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ जो कि होता है म्यू वन साइन ऑफ इंसिडेंस म्यू टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला जो कि होता है म्यू इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल जो कि होता है थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं डेविएशन बाय प्रिज्म, उसमें डेल्टा का फार्मूला होता है आई प्लस आई डैश माइनस प्रिज्म एंगल, और मिनिमम डेविएशन का फार्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस वन इन टू ए, और जिसका ग्राफ होता है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं
रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला जो कि होता है म्यू टू अपॉन एम एच डिस्टेंस माइनस म्यू वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है डी अपॉन एफ। डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है एम इक्वल टू वी अपॉन यू डी अपॉन एफ ई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रिजॉल्व बाई पावर का फार्मूला जो कि होता है आर इक्वल टू टू म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें जो मैग्नीफिकेशन है उसका फार्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और जो इसमें एल होता है वो इक्वल टू रहता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और जो रिजॉल्विंग पावर रहती है वो होती है आर इक्वल टू वन अपॉइंट टू वन पॉइंट टू टू लैम्डा। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में आता है कॉची इक्वेशन, तो जो कहती है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और जो डिस्पर्शन बाय प्रिज्म का फार्मूला है विद स्मॉल एंगल ए एंड आई, उसका जो मीन डेविएशन का फार्मूला है वो डेल्टा वाई इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, और एंगुलर डिस्पर्शन का जो फार्मूला है वो था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और जो डिस्पर्सिव पावर है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला था थीटा अपॉन डेल्टा वाई। एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का जो फार्मूला है वो होता है म्यू वाई माइनस वन अपॉन ई। देन इसके बाद डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का एक और फार्मूला है जो है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल टू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट होता है गॉसस लॉ। गॉसस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देन इसमें हम पढ़ते हैं गॉसस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जो कहता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। देन हम इसमें पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। देन इसमें हम आगे पढ़ते हैं ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो कि होती है इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ई नॉट साइन टू पाई जेड वाई लैम्डा माइनस बी टी। देन जो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी नॉट, और इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सी इक्वल टू वन अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला जो कि होता है वन अपॉन रूट ओवर म्यू वाई म्यू इन टू ई। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू पी सी या फिर म्यू इक्वल टू पी सी। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ रहती है वो ग्रेटर देन 0.1 मीटर रहती है। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो 0.1 to 1 mm रहती है। इन्फ्रारेड की 1 mm to 700 nm तक रहती है। देन लाइट की जो वेवलेंथ है वो 700 nm to 400 nm रहती है। और जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं उनकी जो वेवलेंथ रेंज है वो है 400 nm to 1 nm, और जो एक्स रेज हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो है 1 nm to 10 की पावर -3 nm। देन इसके बाद लास्ट में आता है गामा रेज, जिसकी वेवलेंथ रहती है less than 10 की पावर -3 nm। और जो रेडियो वेव होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। माइक्रोवेव होती हैं क्लेस्ट्रॉन वैल्यू और मैग्नेट्रॉन वैल्यू से। और जो इन्फ्रारेड रहता है वो वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। और जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन एंड एटम एमिट जब होता है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है।
और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके हायर से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करने से होती हैं प्रोड्यूस, और जो एक्स रेज हैं वो एक्स रेज ट्यूब से प्रोड्यूस होती हैं, और जो गामा रेज हैं वो रेडियो ऑप्टिक डिके ऑफ न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती हैं। लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई का क्विक रिविजन करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू 2 पाई के Ze² / nh। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इक्वल टू nh/2πm nh/2πkZe²। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है होता है ½mv², तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा kZe² / 2r। एंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी इसका फार्मूला होता है kQ1Q2/r, जिसको हम लिख सकते हैं -kZe² / r। और जो टोटल एनर्जी होती है वो हमें पता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा -kZe² / 2r। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन का फार्मूला, जो कि होता है 1/λ = r(1n²−n²), और आर की वैल्यू होती है ये। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई में पढ़ते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिसका फार्मूला होता है r = r0e³/1/3। एंड इसमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होती है 4π r³, और इसमें आर की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाता है 4π r0e। देन इसमें हम निकालते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि होता है 3m/4π r0³। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मास डिफेक्ट का फार्मूला, जो कि होता है ∆m = Zmp + (Za-Mn-Mn), और एनर्जी का फार्मूला होता है E=mc²। और जो डेल्टा एम है उसकी वैल्यू होती है 931 MeV। देन इसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ∆m/A। हम लोग सेमी कंडक्टर का क्विक रिविजन करने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। तो जो मेटल होता है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और फिर सेमी कंडक्टर, और सबसे कम कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्ज कंसंट्रेशन एंड करंट के बारे में। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फॉर पी टाइप के लिए जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और फॉर एन टाइप के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। ये फॉर्मूला होता है करंट का सेमीकंडक्टर के लिए I=IE+IH। एंड एक और ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट विद नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ करंट का होल स्क्वायर के बराबर में। देन इसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड का फार्मूला होता है वो होता है E=8T^3/2 e^-EG/2 kT। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉर पी एन जंक्शन फॉर फॉरवर्ड बायसिंग का फॉर्मूला, जो कि होता है ∆V/∆I। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर, जिसमें जो AC करेंट गेन का फॉर्मूला है वो होता है αC = IC/I। एंड फॉर DC करेंट गेन इसका फॉर्मूला होता है DC = IC/I, और इसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है 0.95 to 0.99 के बीच में। और जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है वो होता है AV=ΔV0/ΔVF, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं वो पावर गेन का फॉर्मूला, जो कि होता है ΔP0/ΔPC, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है पावर गेन A²AC×रेजिस्टेंस गेन। देन इसमें जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वो होता है सेम। देन जो इसको एप्लीकेशन है वो हम यूज़ करते हैं फॉर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। देन इसके बाद जो कॉमन अमीटर एम्पलीफायर होता है उसमें हम पढ़ते हैं AC करंट गेन का फॉर्मूला β AC = IC/IV×VCE, जो कि होता है कांस्टेंट। और जो DC
करंट गेन है, उसका फॉर्मूला होता है डेल बीटा डी सी इक्वल टू आई सी बाय आई बी, और जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है वो है ए वी इक्वल टू डेल वी नॉट अपॉन डेल वी आई इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बीटा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन। और जो पावर गेन का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल पी नॉट अपॉन डेल पी आई, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद इस जो हम पढ़ते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, जिसको जी एम से डिनोट किया जाता है, ये होता है द रेशियो ऑफ द चेंज इन द कलेक्टर इन कलेक्टर करेंट टू द चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज, इस कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जी एम इक्वल टू ए वी अपन आर एल इन टू आर एल, जो कि कहलाता है लोड रेजिस्टेंस। और ये रिलेशन है बीटा और अल्फा में, बीटा इक्वल टू अल्फा वन माइनस अल्फा एंड अल्फा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा। कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन फ्रॉम टावर ऑफ हाइट एच, तो इसमें जो पहले फार्मूला आता है वो होता है द डिस्टेंस टू द होराइजन का फार्मूला, जो कि होता है डी टी इक्वल टू अंडर रूट टू आर इंटू हाइट ऑफ द टावर, एंड फॉर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टावर इज गिवन बाय अंडर रूट टू आर हाइट ऑफ द टावर प्लस अंडर रूट टू आर हाइट ऑफ द रिसीवर। देन इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें कि हम पढ़ते हैं मॉड्यूलेशन सिग्नल, जो कि होता है सी एम, जो कि लिखा जाता है ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी अपॉन टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस ओमेगा ए सी अपॉन टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए इक्वल टू ए एम अपॉन ए सी, और इसको हम ए मैक्स माइनस ए मिनिमम के रेशियो से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो कैरियर वेव का मॉड्यूलेशन, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देन इसके बाद जो साइड बैंड फ्रिक्वेंसी होती है फॉर अपर बैंड होता है वो एफ सी प्लस एफ एम, और फॉर लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी इट इज़ एफ सी माइनस एफ एम। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं बैंड विथ, जिसका फॉर्मूला लिखा जाता है एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, और इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं टू इंटू एफ एम। और जो पावर का फॉर्मूला है एम ए एम वेव्स के लिए वो होता है वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर, और कैरियर पावर को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है ए सी अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन आर, जो कि हम लिख सकते हैं इसको जिस प्रकार। देन इसमें जो टोटल पावर होती है साइड बैंड की वो उसका फॉर्मूला होता है एम ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन फोर आर, और ए एम वेव के लिए होता है ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर ब्रैकेट वन प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन टू। और जो रेशियो होता है पी टी अपॉन पी सी का वो होता है एम ए स्क्वायर अपॉन टू अपॉन वन प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन टू। देन इसके बाद जो मैक्सिमम पावर होती है ए एम में विदाउट डिस्टॉर्शन वो होती है थ्री पी ए वी या फिर एम ए इक्वल टू वन, और इसमें जो एफ आई सी अगर अनमॉड्यूलेटेड करेंट है और आई टी मॉड्यूलेटेड करेंट है, तो पी टी अपॉन पी सी का जो रेशियो है वो आई टी अपॉन आई सी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें आता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन का फार्मूला, देन कैरियर स्विंग का फार्मूला होता है टू इंटू डेल एफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का होता है ये डेल्टा अपॉन एफ एम, और फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस प्रकार से निकालते हैं। और जो डेविएशन रेशियो होता है वो होता है डेल्टा एफ मैक्सिमम अपॉन डेल्टा एम मैक्स, एंड परसेंटेज मॉड्यूलेशन के लिए डेल्टा एफ एक्चुअल अपॉन डेल्टा एफ मैक्स। थैंक यू।